बजे मैंने कोशिश की थी काउंटिंग वाले दिन करने की, मुझे जबरदस्ती निकाल दिया गया, वीडियो फुटेज मौजूद है। फिर अंदर आके उन्होंने टेक ओवर कर लिया और अपने मन मानी रिजल्ट्स दी। यार ये तो यहां कर ले, देखने दे इनको। अच्छा एक अब मजाक देखें, हमारे यहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को 11-12 हजार उसके वोट है अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, उसको 74,000 वोट्स दे दिए हैं। ये तो जो उनके सिंध में विनिंग कैंडिडेट्स हैं उनके पास नहीं है इतने वोट्स। अजीब अजीब बैठ के उन्होंने कर लिया जल्दी में और अनाउंस कर दिया। शुक्र है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन कुछ ना कुछ नोटिस ले रहा है और रिजल्ट्स रोक दिए गए हैं। और मेरा जो है, हमारा जो हल्का है NA58, उसके भी सारी कार्रवाई रोक दी गई है और परसों 14th को रिपोर्ट मंगाई है आरओ से। बेचारा आरओ क्या देगा? आरओ तो वो रिपोर्ट देगा जो ऊपर से उसे बताई जाएगी। इनके साथ हमारे हल्के में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तजलील की गई, उन बेचारों को सारी रात खड़ा रखा, उनसे रिजल्ट नहीं लिए गए, वो सुबह तक सर्दी में खड़े रहे और उनसे रिजल्ट लिए बगैर रिजल्ट अनाउंस कर दी गई। मतलब ये इलेक्शन प्रोसेस, वो जो कहते थे ना लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड ये थी और ये मजाक हुआ है। थैंक यू। सर आपने कहा कि जब उनकी मौजूदगी में ये काउंटिंग कराई गई, उनकी मौजूदगी में अगर इस तरह आरओ को दबाया गया तो उनसे मुराद कौन है? You understand that? जब आप समझते हैं सब चीज तो आप क्यों पूछते हैं? इससे कबल दोस्त आशिक अवान आए थे, उन्होंने कहा कि पुलिस ने ठप्पे लगाए हैं, तो क्या पुलिस ने ठप्पे लगाए थे तो क्या यहाँ भी ये सूरत हाल थी? आरओ से जबरदस्ती सब कार्रवाई करवाई गई, लेकिन दस्तखत तो आरओ के है ना, उनसे वो करवाई गई। सर आप नाम तो ले लेना, किसने किया ये सब कुछ? आपको पता है नाम वो ले लेंगे। और ये जो है ना, आप जो वो जो आप कर रहे हैं, आई नो हाउ ब्रेव यू आर, यू अंडरस्टैंड दैट। ओ फॉर हेवन सेक, सबको पता है। नहीं पता आपको? नहीं पता? नहीं पता आपको? फिर आप यू आर इग्नोरेंट देन। हाँ एवरीवन नोज दिस, क्या हो रहा है, किसकी सुपरविजन में हुआ है। अभी आप कह रहे हैं आरओ से रिपोर्ट तलब की और वो वही रिपोर्ट देगा जो उनको मिलेगी, तो फिर क्या आप आवाम का मैंडेट जो आपसे चुराया गया तो वो दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे और इंसाफ मिल जाएगा? आई डोंट नो हाउ द प्रोसेस अनफोल्ड्स, मैं नहीं कह सकता, पर कम से कम वो जो है मजाक जो है वो कर रहे थे वो तो रोक दिया है ना। हमारे पास फॉर्म 45 कहाँ पे पड़े हुए हमारे सारे हमारे पास पड़े हुए 459 पोलिंग स्टेशंस ऑफ NA58, और जो फॉर्म 47 है वो टोटली डिफरेंट है। सर ये बताएं कि 2018 में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, आज भी लेवल, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट डिबेट प्लीज, फॉर हेवन से कुछ रैम करें कॉम पे, इन डिबेट्स में मत पड़ा करें। ये जो है बात आज की हो रही है, 2018 में ये हुआ था। टॉक अबाउट द हेयर एंड नाउ, the absurdity of this, not the absurdity, the outrage, outrageous जो यहाँ हुआ है। हाँ जी forget about, talk about the election यार। जी मैं कह रहा हूं कि हमारे हल्के में 250 से ज्यादा प्रिजाइडिंग ऑफिसर सारी रात अपना मटेरियल लेके डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में खड़े रहे, उनसे इतनी जहमत नहीं गवारा की गई कि उनसे रिजल्ट तो ले लें, सामने कर दें। एक बात वो भूल गए, ये सारा कुछ कराना था तो फॉर्म 45 इश्यू नहीं करना था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर से ये जो एहतियात आप कर लेते, ये फॉर्म 45 देते, उनसे कहते नहीं देना, वो हमारे हाथ में है, आप कैसे उसे रिफ्यूट करेंगे? आयाज साहब बताइएगा सर, ये भी